हेलो फूडीज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फूड कॉर्प। हमारी चटनी वाली सीरीज को आज हम आगे लेकर जाएंगे और आज हम बनाएंगे धनिया पुदीने की हरी चटनी। ये चटनी बहुत ही इजी तरीके से हम बनाने वाले हैं और आप इसको बहुत सारी चीज़ों के साथ खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी हरी चटनी। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएँ और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको फूड कॉर्प के आने वाली रेसिपीज के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चटनी बनाने के लिए लेंगे एक मिक्सर का जार और उसमें मिलाएंगे एक कटा हुआ टमाटर, एक कटा हुआ कांदा, आधा इंच अदरक, तीन से चार हरी मिर्चें और चार से पांच लहसुन की कलियां। सभी को हमें मोटा मोटा काटना है। इन सब का हम पेस्ट बनाएंगे इसलिए इन्हें बारीक काटने की जरूरत नहीं है। साथ ही में इसमें ऐड करेंगे एक कप पुदीना और एक कप धनिया। पुदीने के हमें पत्ते चाहिए तो आपको उस हिसाब से इनके पत्ते साफ करने पड़ेंगे और धनिया जो है वो हम डंडियों के साथ ले सकते हैं तो उनमें आपको सिर्फ पत्तियां निकालने की ज़रूरत नहीं है, धनिया की डंडी है वो भी यूज़ करेंगे। साथ ही में ऐड करेंगे एक टीस्पून जीरा और एक टीस्पून धनिया पाउडर। स्वाद के लिए डालेंगे एक चम्मच नमक और आधा नींबू। अब इन सबको अच्छी तरह पीस लेंगे। आपको इन्हें एकदम बारीक पीसना है। इसे पीसने में मैंने एक चौथाई कप से भी कम पानी यूज़ किया है तो आप इसमें करीब दो बड़े चम्मच पानी डाल सकते हैं और हमारी चटनी रेडी हो गई है। आप चाहें तो इसे दही के साथ डाइल्यूट कर सकते हैं। ये चटनी आप खा सकते हैं सेवपुरी, भेलपुरी, समोसा, दाबेली, दही बड़े, बहुत सारी चीज़ों के साथ। तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ऐसी ही बहुत और टेस्टी टेस्टी रेसिपीज के लिए फूड कॉर्प को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।